हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अवकलन में गुणनफल और भागफल सीखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में जिसमें प्रश्नावली में टोटल 42 सवाल थे, उन सभी सवालों में से जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सारे आपको बता दिए गए हैं। अब हम लोग अवकलन का गुणनफल और अवकलन का भागफल सीखेंगे। तो चले फिर शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है गुणनफल तथा भागफल। ये टॉपिक है गुणनफल तथा भागफल। तो चले फिर समझिए। आपको कुछ इस तरह से समझना है, जैसे आपको एक फंक्शन दिया जाए जिसमें दो फलन हो, जिसमें पहले वाले को मैं प्रथम फलन लिख दूं और दूसरे वाले को द्वितीय फलन। तो जो अवकलन करने का फार्मूला बनेगा वो ऐसे होगा, डी बटे डी एक्स एफ एक्स बराबर। अब फार्मूला सुनिए। फार्मूला है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ये फार्मूला है। तो फार्मूला है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ये दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला है जो कि आप लोग अप्लाई करेंगे। अब आपको एक विशेष पॉइंट ये पढ़ना है कि यदि तीन फलन दिए जाएं, जो कि हो सकता है रेयर केस में आपको दे दे और आपको समझना भी है, यदि तीन फलन दिए जाएं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सांकेतिक भाषा में समझाता हूँ, ये प्रथम फिर द्वितीय फिर तृतीय, शायद इससे आप बेहतर सीख पाएंगे। तो सुनिए मेरी बात, सीखना क्या है। जब आप इसका अवकलन करोगे तो आपको मैं एक छोटा सा सिद्धांत समझाता हूँ। गुणनफल का एक छोटा सा सिद्धांत ये होता है कि आप हर एक फलन का अवकलन करेंगे और बाकी फलनों को चाहे आपको बाहर रखना पड़े। फिर से सुनिए, जैसे तीन फलन हैं तो पहले को बाहर रखिए, दूसरा तीसरा आपके पास बच जाएगा। तो आप क्या करना है, पहले का अवकलन किया, दूसरा तीसरा बाहर कर दिया, दूसरे का अवकलन किया, पहला तीसरा बाहर कर दिया, तीसरे का अवकलन किया, पहला दूसरा बाहर कर दिया। तो अगर इस हिसाब से आप इसको हल करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा, गौर से सुनिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड को बाहर निकाल दिया, तो फर्स्ट सेकंड को बाहर निकालने के बाद अब आपको तीसरे का अवकलन करना है, ठीक है, थर्ड वाले का। अभी क्या करेंगे कि फर्स्ट और थर्ड को बाहर निकाल दिया, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको दूसरे वाले का अवकलन करना है। अभी क्या करेंगे कि जैसे कि सेकंड और थर्ड को बाहर निकाल दिया, तो अब आपको पहले वाले का अवकलन करना है। तो इस फार्मूले को देख करके शायद आप ये सीख जाएं कि अगर आपको तीन के बजाय चार फलन दिए जाएं तो किस तरह से अवकलन करेंगे। एक बार फिर से आप लोग तीन फलन वाले में कोशिश करिए। देखिए, जैसे आपके पास तीन फलन दिए हैं तो पहले हमने किसका अवकलन किया, तीसरे का। तो बाहर कौन कौन है, पहला दूसरा। फिर किसका अवकलन किया, दूसरे का। तो बाहर कौन है, पहला तीसरा। फिर किसका अवकलन किया, पहले का। तो बाहर कौन है, दूसरा तीसरा। क्लियर। तो इस तरह से हमने देखा कि हर एक पद का अवकलन होगा, हर एक पद का अवकलन होगा और बारी बारी से अवकलन होगा। जैसे कि पहला दूसरा बाहर तीसरे का कर दिया, पहला तीसरा बाहर दूसरे का कर दिया, दूसरा तीसरा बाहर पहले का कर दिया। तो इस तरह से
आप बारी बारी से अवकलन करेंगे तो आपको सही परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे कहूं कि यदि आपको चार फंक्शन दिए जाएं तो आप चार कर लेंगे ना, तो चार फंक्शन का कैसे करना है, पहला दूसरा तीसरा बाहर चौथे का कर दिया, पहला दूसरा चौथा बाहर तीसरे का कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद पहला तीसरा चौथा बाहर दूसरे का कर दिया, फिर दूसरा तीसरा चौथा बाहर पहले का कर दिया। तो इस तरह से जब आप लोग अवकलन करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप आसानी से अवकलन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके कोर्स में दूसरे तीसरे तक है। मैंने आपको चौथा वाला फार्मूला भी समझाया कि यदि चार आ जाएं तो क्या करना है, सब का अवकलन करना है चाहे बाकियों को बाहर रखना पड़े। जैसे हमने तीसरे का किया दो बाहर, दूसरे का किया बाकी दो बाहर, पहले का किया बाकी दो बाहर, अगर चार हो जाएँ तो चार स्टेप, पाँच हो जाए तो पाँच स्टेप। ठीक है, अब आगे देखें, तो ये आपके एक गुणनफल के फार्मूले हो गए। अब इसके बाद हमें सवाल समझने हैं। जैसे मैं आपको पहला सवाल समझाता हूँ कि पहले सवाल में क्या लिखा है, तो पहले सवाल में लिखा है x की पावर 5, फिर उसके बाद लिखा है कोसेक x। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा वो सुन लें। सबसे पहले आप इसे y के बराबर मानेंगे, तो लिखेंगे माना y बराबर x की पावर 5 कोसेक x, ये लिख दिया। ठीक है, अब जैसा कि पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, फिर उसके आगे लिख दिया बोथ साइड। तो इस तरह से मैंने किया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। ये आपसे पिछली बार भी मैंने कहा था कि भाई आप जब अवकलन करेंगे तो इसे अपने फेयर में या बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चले आगे बढ़ते हैं फिर, तो y का अवकलन आप लोग क्या लिख देंगे, dy वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, है ना। आप पढ़ते हैं प्रथम फलन यानी x की घात 5, फिर द्वितीय का अवकलन, तो द्वितीय की जगह पर मैंने लिख दिया कोसेक x, फिर लिखा प्लस का द्वितीय फलन यानी कि कोसेक x, फिर प्रथम का अवकलन यानी कि x की घात 5 लिख दिया। ठीक है, देखिए उसी नियम से, और याद रखें ये नियम अभी कई बार लगाना है आपको। कई बार लगाने का मतलब मैंने आपको समझाया, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। ठीक है, अब जब हमने इतना कर दिया तो इसके बाद क्या करेंगे, रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, कौन से रिजल्ट, जो हमने पिछली प्रश्नावली में हम लोगों ने याद किए हैं, एक्स की पावर 5 तो मैंने लिख लिया, कोसेक एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स, और इनटू में क्या होता है कॉट एक्स। ठीक है, ये कोसेक एक्स का अवकलन है और हमने पढ़ा भी है कोसेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, और फिर प्लस का निशान मैंने बनाया, फिर लिख दिया कोसेक एक्स। और आप सबको ये बात स्पष्ट पता है एक्स की घात 5 का अवकलन क्या होगा, हमने पढ़ा है एक्स की घात 5 का अवकलन क्या होगा, घात पहले आएगी और घात से एक घटा देंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में आपको इतना ही सिखाया गया है। तो जैसे एक्स की घात 5 है तो घात पहले आएगी, तो घात पहले आने का मतलब 5 पहले आएगा, फिर 5 से एक घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको मिल गया dy वाई बाई डी एक्स बराबर, आप थोड़ा गौर करिए, यहाँ पर x की घात 5 है, ठीक है, और यहाँ पर x की घात 4 है, दोनों को देखिए। तो सबसे पहली बात तो आप x की घात 4 कामन लीजिए, फिर यहाँ पर कोसेक x है, यहाँ भी कोसेक x है, दोनों जगह पर है, तो दोनों जगह पर कोसेक x है, तो इसके बाद हम लोग कामन लेंगे कोसेक x कामन लिया। आप बताओ x की घात 5 है, 4 कामन हो गया, है ना, तो अगर 4 कामन हो गया तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा x, अच्छा हाँ चिन्ह कौन सा रहेगा, माइनस का, कोसेक तो कामन हो गया तो बचेगा क्या फिर आपके पास कॉट x। ठीक है, फिर उसके बाद सुनिए x की घात 4 कामन है, ठीक है, एकदम क्लियर। अब अगर x की घात 4 कामन है तो कोसेक x भी कामन है, तो बचा क्या यहाँ पर, 5 बचता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचा, तो आप यहाँ पर प्लस का निशान बनाइए और 5 लिख दीजिए, फिर इसे ब्रैकेट कर दें या अंडरलाइन कर दें, यही आपका रिजल्ट है। तो इस तरह से हमें गुणनफल के सवालों को हल करना है। आपको दूसरे सवाल पर ले कर चलता हूँ, तो चले देखिए दूसरे सवाल पे क्या लिखा है। दूसरे सवाल पे आपका लिखा हुआ है 3 log ex into tan x, इतना लिखा हुआ है।
ये बेहद सिंपल सा सवाल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे बता देता हूँ, एकदम सरल है। सबसे पहले आप लिखेंगे माना वाई बराबर 3 log x और इंटू में 10x, ठीक है। आपको पता है, ये लीजिए पहला वाला प्रथम फलन और दूसरा वाला तृतीय फलन, फार्मूला लगाते हैं। उससे पहले आपको लिखना है DWR2x both side, फुल फॉर्म आपको पिछले लेक्चर में मिल जाएगा और वो आपको पता भी है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलिए अच्छा करते हैं, तो अब आप बताएं भाई वाई का अवकलन जो है वो कितना आ जाएगा, dy/dx। जो हम लोगों ने वाई लिखा है उस वाई का अवकलन क्या आएगा, dy/dx आएगा। तो वाई का अवकलन तो मैंने लिख दिया dy/dx, 3 को बाहर निकाल लो, गुणे का निशान बनाओ, बड़ा सा डिब्बा बनाओ। अब पढ़ो सूत्र क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन। ये सूत्र होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस का द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ये फार्मूला होता है ना, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। हाँ, अब इन सवालों को लगाने के लिए आपको पिछले फार्मूले याद होने चाहिए, यदि आपको पिछले फार्मूले नहीं याद हैं तो समस्याएं तो होंगी। तो चले देखते हैं फिर फार्मूले आपको याद है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया लॉग एक्स, अब आया टेन एक्स, तो आप बताएं टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स, ये होता है, ठीक है। टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। फिर उसके बाद मैंने लिख लिया प्लस का टेन एक्स, अच्छा लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x, ठीक है। लॉग एक्स जो यहाँ पर लिखा है उस लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा, ठीक है। तो 1/x कर दिया, तो अब आपको यहाँ पर dy/dx मिल जाएगा, कुछ नहीं बस जितना लिखा है यही इसका उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा, जैसे कि हमने लिख लिया sec स्क्वायर एक्स, फिर क्या लिख लिया लॉग एक्स लिख लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर लिख दिया टेन एक्स अपान एक्स, बड़ा ब्रैकेट बंद, इसे अंडरलाइन कर दिया, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो उसमें आपको दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण रूप से याद होनी चाहिए, और वो दोनों चीज़ें कौन सी हैं, एक फार्मूला प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन वाला, और दूसरी बात क्या याद होना चाहिए, सूत्र जो आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाए गए हैं। यदि आपको पिछले लेक्चर वाले फार्मूले याद हैं तो ये सवाल आपको बेहद सरल लगेंगे और बहुत आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको मैं सवाल नंबर 3 पे लेके चलता हूँ, तो चले फिर आप सब सवाल नंबर 3 देख लीजिए। तीसरे सवाल में लिखा हुआ है ax² sin x, ठीक है। x² को प्रथम मानना है, sin x को द्वितीय, और a को बाहर रखना है, ठीक। तो हिंट्स मैं दे रहा हूँ, लगाएंगे आप सभी, नहीं आएंगे तो जब आप आएंगे तब पूछिएगा। तो a को बाहर रखना है, x² और sin x प्रथम द्वितीय हो जाएंगे। और रही बात अवकलन कैसे करेंगे, तो याद रखें x² का जो अवकलन है वो होता है 2x, पिछले लेक्चर में बताया मैंने डेरिवेशन सहित, और आपको ये भी बताया मैंने कि sin x का अवकलन क्या होता है, cos x, ठीक है। अब सवाल नंबर 3 आप लोग अपने से लगा लीजिएगा, कैसे, वही प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, और यदि आपको अवकलन भी ना पता हो तो वो मैंने लिख भी दिया है कि x² का जो अवकलन है वो होगा 2x, और जो sin x का अवकलन है वो क्या होगा, cos x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 पे, तो हमारे चौथे सवाल में भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। चौथे सवाल में लिखा है 7e^x देन log x, ये आपका सवाल नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसे मैं y के बराबर कर देता हूँ। तो y बराबर 7e^x log x, तो e^x को क्या मानेंगे, प्रथम फलन, और log x को क्या मानेंगे, द्वितीय फलन, है ना। अब अवकलन कर लेंगे ना, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन ऐसे करके। और हाँ, जिसे अवकलन नहीं याद वो या तो पिछले अपने फेयर में देखे, जो उन्होंने पिछले लेक्चर से सूत्र नोट किए उसमें होगा e^x का जो अवकलन है
वो होता है e की घात x। और ये वाला तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि जो log x का अवकलन होता है वो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। आपके सामने चार सवाल लगे हुए हैं। चारों सवालों को लगाने का अब तक का तरीका बिल्कुल वही था। क्या तरीका था? प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। और इन दोनों बातों के अलावा आपको जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको फार्मूले आने चाहिए। यदि आपको फार्मूले आएंगे तो आप गुणनफल और भागफल बेहद सरलता से कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, लगभग चारों सवालों में फार्मूलों की बहुत आवश्यकता थी, इसलिए फार्मूले धीरे धीरे याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 5 पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 5। देखिए कभी कभी होता यह है कि ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हम अपनी कुछ बातें भूल जाते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में लिखा है साइन एक्स इंटू कॉट एक्स। जानते हैं इस सवाल की खास बात यह है, खास बात यह है कि कभी कभी आप सूत्रों के पीछे इतना भागते हैं कि अपना सवाल ही आप खो बैठते हैं। ये सवाल बेहद सरल है। यदि आप इसको प्रथम फलन और द्वितीय फलन मान के लगाएंगे तो सवाल लंबा हो जाएगा और शायद आपका आंसर भी मैच ना करे। ठीक है, इसलिए शुरुआत से ही अपने कॉमन सेंस और सरलीकरण के नियमों को सदैव याद रखा करें। सरलीकरण का कौन सा नियम है भाई? आप सब इंटर में आप सबको पता है कि cot x को क्या लिखते हैं, cos x बटे sin x, है ना? जो आपका cot x लिखा है, इस cot x को क्या लिखते हैं, cos x बटे sin x। तो आप sin x से sin x क्या होगा, कट जाएगा, तो आपको y बराबर क्या मिलेगा, cos x। ये लीजिए, इसमें फार्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अन्यथा हम प्रथम द्वितीय करते रहते और सवाल बहुत लंबा हो जाता। तो sin से sin काट के cos x हो गया। अब वही जल्दी से लिख दीजिए कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। जल्दी से कर लेते हैं तो y का अवकलन क्या आएगा, dy by dx आएगा, है ना? फिर d बटे dx और उसके बाद लिख दिया cos x। और ये बात भी आपको पता है, क्या पता है कि cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस sin x। इसे अंडरलाइन कर दिया, यही हमारा उत्तर हो गया, पांचवा हल हो गया ना आसानी से। अब सवाल नंबर 6 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 6 में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। सवाल नंबर 6 में भाई लिखा y बराबर 2, फिर लिखा है log, फिर लिखा है ax, लिखा है 2 log ax और उसके बाद इनटू में लिखा हुआ है साइन एक्स, इतना लिखा है। अब इसे मैं हल नहीं करूंगा, आपका काम। इसको क्या लिखना है, प्रथम फलन, साइन एक्स को क्या लिखना है, द्वितीय फलन, और ये जो आपका 2 है ये बॉक्स के कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार मैं सुन लें, आपको ये याद रखना है कि ये जो 2 है वो बाहर रहेगा, जो लॉग एक्स है वो प्रथम फलन और जो साइन एक्स है वो द्वितीय फलन। हाँ, ये ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो लॉग एक्स है, ठीक है, ये आपको मैं बता सकता हूँ कि लॉग एक्स का जो अवकलन है तो आपको ये बता सकते हैं कि जो आपका डी अपान डी एक्स लॉग एक्स है, इसका फार्मूला होता है 1/x लॉग ए ई होता है। ठीक है, और साइन एक्स का फार्मूला आपको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता ना पड़े। साइन एक्स का जो फार्मूला है वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल नंबर 6 जो है वो आपको स्वयं लगाना है। मैं आपकी इसमें जितनी सहायता कर सकता हूँ वो मैंने आपको बता दिया। क्या बताया भाई, अभी तक हमने चार सवाल लगाए और वो चार सवाल किस तरह से हल हुए, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, इस तरीके से हमने चारों सवाल लगाए हैं। हाँ, रही बात फार्मूलों की, तो वो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप पिछले वाले चैप्टर से सारे फार्मूले याद करते।
यदि नहीं याद है तो मैं अब भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ चौथे चैप्टर तक। तो प्रयास ये है कि लॉग ए एक्स का जो फार्मूला है वो आएगा 1/x लॉग ए ई आएगा, और साइन एक्स के फार्मूले से आप सभी परिचित हैं, साइन एक्स का फार्मूला होगा कॉस एक्स। अब बस आपको इतना करना है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, इतना करना है, ठीक है। अब हम लोग सवाल नंबर 7 पे चलते हैं। तो 7वें सवाल में आपका लिखा है वाई बराबर सेक एक्स और इंटू में टैन एक्स, कोई हेल्प नहीं आपकी, पहला। और ये दूसरा, रही बात फार्मूले की तो वो मैं लिख देता हूँ कि भाई सेक एक्स का जो फार्मूला है, ठीक है, चलो अच्छा एक बार ही सवाल पूरा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लिया डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और उसके आगे लिख दिया बोथ साइड। तो ये मैंने लिख दिया कि डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, चलो अच्छा अवकलन करो। तो y का जो अवकलन है वो क्या आ जाएगा, dy बाई dx, पढ़ते चलना, प्रथम फलन फिर उसके बाद क्या आएगा द्वितीय का अवकलन, है ना, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस का क्या आएगा द्वितीय फलन, द्वितीय फलन और उसके बाद फिर क्या आएगा प्रथम का अवकलन, ठीक है। अब इतना हमने लिख लिया, अब जब हम लोगों ने इतना लिख लिया तो सवाल को आगे ले चलते हैं। तो ये आपका आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब उन लोगों को ये सवाल आएगा जिन्हें फार्मूले आते हैं। उतनी देर से मैं एक ही बात आपसे बार बार कह रहा हूँ, फार्मूला तो याद करते चलते हैं। तो टैन एक्स का जो फार्मूला है वो क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, है ना, टैन एक्स का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। फिर प्लस का मैंने लिख दिया टैन एक्स, और sec x का फार्मूला होता है sec x और इंटू में tan x। जो sec x का फार्मूला होता है वो होता है sec x इंटू tan x, ठीक है। सवाल को हल करते हैं तो dy by dx बराबर, चलो देखते हैं, यहाँ पर sec x है, यहाँ भी sec x है, कॉमन हो जाएगा, sec x कॉमन ले लो। तो sec x कॉमन मैंने ले लिया, तो जब sec x कॉमन लिया तो हमें ब्रैकेट में मिलेगा sec स्क्वायर x, और tan x और tan x का जो गुणा है वो कितना आ जाएगा tan स्क्वायर x, है ना। तो इस प्रकार से sec स्क्वायर x और उसके बाद प्लस का क्या आ गया tan स्क्वायर x आ गया, बस यही आपका अवकलन हो जाएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई रिजल्ट होगा नहीं। तो sec x और ब्रैकेट में sec स्क्वायर x प्लस का tan स्क्वायर x, यदि और कोई रिजल्ट आता है तो उसे आप त्रिकोणमिति के नियमों से एक दो स्टेप बढ़ा लीजिएगा, अन्यथा परफेक्ट है, ठीक है। तो आपको एक बार फिर मैंने सिखाया वही पुरानी बात, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन। देखिए ये सारी बातें आधार हैं, अन्यथा आगे के 8 चैप्टर में से एक अक्षर नहीं आएगा आपको, क्योंकि अवकलन और जिसका भी अवकलन छूट गया उसके 8 चैप्टर बिल्कुल बेकार हो जाएंगे, कुछ नहीं आएगा उसको, ठीक है। तो आपको पहले लेक्चर में भी मैंने बहुत समझाया था कि अवकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक भी अक्षर आप मिस नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको एक बार फिर मैंने सिखाया यहाँ पर कि प्रथम गुणे द्वितीय प्लस द्वितीय गुणे प्रथम, आवश्यकता किन चीज़ों की है, सूत्र की है, सूत्र बेहतर याद होंगे तो रिजल्ट भी बेहतर ही प्राप्त होंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। तो सवाल नंबर 8 पे देखिए क्या लिखा है, सवाल नंबर 8 पे लिखा है y बराबर कोसेक एक्स और इंटू में काट एक्स, ये लिखा है, ये आपको मैं बताऊंगा नहीं, ये प्रथम फलन और काट एक्स हो गया द्वितीय फलन। अब आपका एक सिंपल सा काम है, बस फार्मूले बताने में मैं अभी आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि कोसेक एक्स का जो अवकलन है वो क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स और इंटू में काट एक्स होता है, ठीक है। और आपके फार्मूले बताने में हेल्प कर सकते हैं कि भाई जो काट एक्स होता है उस काट एक्स का फार्मूला होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। काट एक्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब आप इसमें प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन आसानी से लगाइएगा और सवाल हल कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 9 पे। तो सवाल नंबर 9 की यदि आप बात करेंगे तो 9वें सवाल में लिखा हुआ है a की घात x लॉग ax, और फिर लिखा है माइनस का साइन x और इंटू में कॉस x, ये आपके 9वें सवाल में लिखा है। तो ठीक है, इसमें मज़ा आएगा आपको क्योंकि आपको दो बार मेहनत करनी है, a की घात x फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ है लॉग ax और फिर लिखा है माइनस का साइन x और इंटू में कॉस x, ठीक है।
तो आप सवाल नंबर 9 जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ये सवाल नंबर 9 आपकी थोड़ी सी परीक्षा तो लेगा कि आप इसमें कितनी मेहनत करके इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो चले फिर शुरू करते हैं। इसे मानेंगे प्रथम, इसे द्वितीय, इसे प्रथम, इसे द्वितीय। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि हमको एक ही फार्मूला दो बार लगाना है, ठीक है। हमें एक ही फार्मूला कितनी बार लगाना है? दो बार। तो चलो ट्राई करते हैं फिर, है ना। तो पहले तो वही लिख दिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। आपको याद रहे तो लिख दीजिए, ये एक अच्छा तरीका है। अब उसके बाद y का अवकलन आएगा dy/dx। तो थोड़ा धैर्य से सुनिएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, ये लो मैंने लिख दिया, फिर प्लस का लिख दिया द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, फिर माइनस का चिन्ह बना दिया मैंने और बड़ा वाला बॉक्स भी, फिर लिखा प्रथम फलन और फिर लिखा गुणे द्वितीय का अवकलन, फिर प्लस का द्वितीय फलन और गुणे फिर लिख दिया प्रथम का अवकलन। ये लीजिए कन्फर्म। तो आपको जो मैंने शुरुआत में कहा था कि आपको फार्मूला दो बार लगाना है, तो देखिए हमने फार्मूला दो बार लगाया, एक ही घात एक्स लॉग एक्स, एक ही घात एक्स प्रथम है लॉग एक्स द्वितीय है, साइन एक्स प्रथम है कॉस एक्स द्वितीय है। और इस प्रकार से ये बात पूर्णतया स्पष्ट होती है कि प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, ये बात हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी वाई बटे डी एक्स एक ही घात एक्स, आप देखो लॉग एक्स फिर से आ गया, है ना। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, इसीलिए तो कहते हैं ध्यान दिया करिए। देखिए लॉग एक्स लिखा है और लॉग एक्स का फार्मूला क्या होता है, वन अपान एक्स लॉग ए ई, है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर लिख लिया वन अपान एक्स, फिर लिखा लॉग, फिर लिखा ए ई, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो फिर लिख दिया लॉग ए एक्स। अब जहाँ पर मैं टिक मार्क लगा रहा हूँ इसे गौर से देखें, ए की घात एक्स, ठीक है। तो शायद पिछले लेक्चर में आपको 20 से 22 फार्मूले पढ़ाए गए थे, तो फिर से मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई फार्मूले जितनी जल्दी हो सके और जितने बेहतर याद हो सके उन्हें याद कर लें। अब ए की घात एक्स लिखा है, देखिए लिखा है ना ए की घात एक्स। अब ए की घात एक्स का अवकलन क्या होगा ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ए की घात एक्स का अवकलन होता है ए की घात एक्स लॉग ई ए, ठीक है, हो गया। ए की घात एक्स का अवकलन क्या होता है ए की घात एक्स लॉग ई ए, क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, कुछ भूलिएगा नहीं। आगे माइनस का चिन्ह बनाया, बड़ा ब्रैकेट बनाया, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया साइन एक्स। अब आप सब मुझे बताएंगे कॉस एक्स का अवकलन क्या आता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। त्रिकोणमिति तो भूलिए ही नहीं, कॉस एक्स का अवकलन क्या आता है, माइनस साइन एक्स। अब जब कॉस एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स आया तो सवाल आगे ले चलो, फिर लिख दिया मैंने प्लस का कॉस एक्स लिख दिया, अब साइन एक्स है तो आप बताओ साइन एक्स का अवकलन क्या आएगा, कॉस एक्स, वो तो वही ये फार्मूला है, ठीक। आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर, आप देखो ए की घात एक्स यहाँ पर भी है, ए की घात एक्स यहाँ पर भी है, तो क्या करें ए की घात एक्स को कॉमन ले लें। तो जब ए की घात एक्स को कॉमन लिया तो ये आया लॉग ए ई अपान एक्स, ये वाला एक्स तो रहेगा ना इसके साथ, ए की घात एक्स कॉमन, ए की घात एक्स कॉमन हो गया तो लॉग ए ई बटे में एक्स। फिर उसके बाद जैसा कि पता है ए की घात एक्स कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा लॉग ए एक्स, फिर गुणे में बचेगा लॉग ई ए, है ना, फिर ब्रैकेट बंद, फिर अगले ब्रैकेट में क्या मिलेगा बताओ मुझे, साइन एक्स और साइन एक्स का गुणा क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस एक्स और कॉस एक्स का गुणा क्या आता है, कॉस स्क्वायर एक्स। भाई साइन एक्स और साइन एक्स का गुणा साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स और कॉस एक्स का गुणा क्या आता है, कॉस स्क्वायर एक्स आता है। तो यहाँ तक जब आप पहुँच गए तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स
वैसे तो ये भी रिज़ल्ट मान्य हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी कोशिश मैं आपसे और करवाना चाहता हूँ। चलो करो। जैसे ये लाग ए एक्स लिखा है, क्या लिखा है? लाग ए एक्स, तो ऊपर लाग एक्स और नीचे लिख दिया लाग ए। जैसे ये लाग ई ए लिखा है, तो ऊपर लाग ए और नीचे लिख दिया लाग ई। अब माइनस का अंदर गुणा करा दिया, तो ये हुआ माइनस माइनस प्लस, प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, अब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, ठीक है। या फिर आप इस सवाल को ऐसे कर लें कि ये प्लस देख रहे हैं सभी, गौर से देखिए जहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ ये वाला, तो अब आप कास स्क्वायर एक्स को पहले लिख लें, ये जो अंडरलाइन है कास स्क्वायर एक्स को पहले लिख लें, अब फिर माइनस के साइन स्क्वायर एक्स को बाद में, कास स्क्वायर को पहले साइन स्क्वायर को बाद में। अब लाग ए से लाग ए को काट दीजिए, ठीक है। फिर से आप सबको मैं एक फार्मूला बताता हूँ, उसे ध्यान रख लेना। जैसे लाग ए बी लिखा है, तो बी ऊपर लिखते हैं, ए नीचे लिखते हैं, भूलिएगा नहीं। दोबारा मेरी बात को स्पष्ट तरीके से सुने। जैसे लाग ए बी लिखा है, तो आप बी को ऊपर लिखते हैं और ए को कहाँ लिखते हैं? नीचे। तो यदि किसी को मेरी इस बात पे कन्फ्यूज़न है, तो अब वो अपना कन्फ्यूज़न दूर कर ले और गौर से देखे। जैसे ये आपका लाग ए एक्स लिखा है ना, लाग ए एक्स, तो लाग ए एक्स लिखा है, तो एक्स को ऊपर लिखेंगे और ए को कहाँ लिखेंगे? नीचे, है ना। एक्स को ऊपर लिखेंगे, ए को नीचे लिखेंगे। जैसे कि लाग ई ए लिखा है, तो लाग ई ए लिखा है, तो ए को ऊपर लिखेंगे, ई को कहाँ लिखेंगे? नीचे। अब लाग ए से लाग ए को काट दीजिए, कट गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि डी वाई बटे डी एक्स बराबर आएगा ए की घात एक्स, फिर आपके पास आएगा लाग ए ई अपान एक्स। फिर गौर से देखिएगा, ऊपर एक्स है और नीचे क्या है? ई, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ऊपर एक्स है और नीचे क्या है? ई है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, लाग ई एक्स, यही तो लिखेंगे ना। फिर से देख लें, जैसे ऊपर क्या लिखा है? लाग एक्स, नीचे क्या लिखा है? लाग ई। तो इसको लिखेंगे ई एक्स, क्योंकि नीचे वाला आधार बन जाता है। तो ये हमारा एक उत्तर हो गया माइनस। अब फिर से वही बात, कौन सी? कि भाई जिसने कक्षा 9, 10, 11 में त्रिकोणमिति पढ़ी है, उन्हें एक फार्मूला पढ़ाया जाता है कॉस 2 थीटा का, और कॉस 2 थीटा के तीन फार्मूले होते हैं जो बार बार आते रहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो जिन्होंने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि ये कॉस 2x का फार्मूला होता है। तो इस तरह से आपका ये पूरा उत्तर हो गया कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x का फार्मूला होता है, और वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप समझेंगे सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 देखिए। दसवें सवाल में आपका लिखा है 7x a की पावर x